किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। हमारे भारत देश में गेहूं की खेती का लगभग अधिकांश क्षेत्रों में असिंचित या अर्धसिंचित दशा में ही गेहूं की खेती की जाती है, यानी मुश्किल से लगभग 2 से 3 सिंचाई के लिए ही पानी उपलब्ध रहता है। लेकिन हमें गेहूं की अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। लेकिन यह हम सभी जानते हैं कि सिंचाई की संख्या जो है पानी की उपलब्ध मात्रा एवं मिट्टी के प्रकार तथा तापक्रम, मौसम, जलवायु एवं बोई गई किस्मों आदि अनेक दशाओं पर निर्भर करती है। इसके अलावा गेहूं के फसल अवधि में कुछ विशेष क्रांतिक अवस्था यानी क्रिटिकल स्टेज होती है। इसी समय गेहूं की सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके पहले गेहूं बुआई के पहले खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से 2 से 3 बार अच्छे से जुताई करके पाटा चला देना चाहिए और खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करना चाहिए एवं खेत में पर्याप्त नमी रहना चाहिए, तब बीजों का अंकुरण ठीक प्रकार से होगा। गेहूं के पहले सिंचाई के बारे में बात करें तो ताज जड़ यानी शीर्ष जड़ निकलने के समय यानी फसल बुआई के 21 दिन के बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। इसे क्राउन रूट इनिशियल स्टेज भी कहते हैं। दूसरी सिंचाई बीज बोने के 42 दिन बाद यानी टिलरिंग स्टेज में करनी चाहिए, जिसे फुटाव अवस्था भी कहते हैं। इसी प्रकार तीसरी सिंचाई बीज बोने के 65 दिनों के बाद, जिसे बूटिंग स्टेज कहते हैं, इसी समय करनी चाहिए। चौथी सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज में करनी चाहिए यानी बीज बुआई के लगभग 85 दिनों के बाद। इसी प्रकार पांचवी और अंतिम सिंचाई मिल्किंग स्टेज एवं दाना भरते समय करनी चाहिए यानी बीज बुआई के लगभग 105 दिनों के बाद पांचवी एवं अंतिम सिंचाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार पर्याप्त सिंचाई उपलब्ध होने पर गेहूं में 5 सिंचाई देना श्रेयस्कर होता है। इसके अलावा यदि मिट्टी काफ़ी हल्की है या बलुई रेतीली मिट्टी है तो 2 अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यदि हमारे पास केवल 2 ही सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई बीज बुआई के लगभग 21 दिन के बाद यानी शीर्ष जड़ निकलने की अवस्था में और दूसरी सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज में यानी बुआई के लगभग 82 से 85 दिनों के अंतर्गत करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि हमारे पास कुल 3 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई फसल बुआई के लगभग 21 दिन के बाद यानी क्राउन रूट स्टेज में यानी शीर्ष जड़ अवस्था में, इसी प्रकार दूसरी सिंचाई फसल बोने के लगभग 65 दिनों बाद यानी गांठे बनने या जिसे टिलरिंग स्टेज कहते हैं, एवं तीसरी सिंचाई मिल्किंग स्टेज यानी दाने भरते समय फसल बुआई के लगभग 100 दिनों के बाद करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि हमारे पास गेहूं की लंबी बढ़ने वाली किस्में यानी ट्रेडिशनल टाल वेराइटी है तो भी 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ध्यान देने योग्य बात यह है कि सिंचाई के साथ साथ जल निकास की भी व्यवस्था करनी चाहिए एवं सिंचाई के 8 घंटे बाद भी खेत में पानी भरा नहीं रहना चाहिए, इससे फसलों को नुकसान होता है। तो इस प्रकार किसान भाई सिंचाई करने पर और समय पर खाद उर्वरक देने पर अधिकतम गेहूं की उत्पादन की प्राप्ति होगी। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों, ज़रूर बताइए। धन्यवाद।